हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो आप यहां पे बर्फी का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है। तो बर्फी बनाने से पहले आप जिस भी बर्तन में बर्फी को सेट करने वाले हैं उसे थोड़ा सा ग्रीस कर लें घी के साथ, और चाहे तो बटर पेपर लगा लें। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाकर केक टिन को तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई को मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है गैस के ऊपर। और यहाँ पे ये मैंने लिया है आधा कप देसी घी। तो इस मिठाई को हम आधा कप घी के साथ ही बनाने वाले हैं, और बहुत सारी मिठाई आधा कप घी में बनकर तैयार हो जाती है। तो घी को मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। घी को हमें गर्म नहीं करना है, सिर्फ पिघला लेना है, मेल्ट कर लेना है। और कढ़ाई को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है, फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे। तो पहले घी को मेल्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है। तो मैं यहाँ पे डेढ़ कप बेसन की बर्फी बनाने वाली हूँ, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो पहले एक कप ऐड करेंगे और उसके बाद आधा कप ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल भी हमें लम्प्स नहीं चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे विस्क की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से मिला लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे, कोई भी गांठ बेसन की ना रहे। अगर आप पहली बार बर्फी बना रहे हैं तो चाहें तो बेसन को छान लें छन्नी से, तो मिक्स करने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है, और ये आधा कप बेसन मैंने और ऐड कर दिया है। और एक दो चम्मच घी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा घी जो है वो बेसन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। जो थोड़ा मोटा बेसन होता है तो उसमें घी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आधा कप बेसन डालने के बाद जो बेसन और घी का मिक्सचर है वो थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है। तो बस स्टार्टिंग में जो हमारा मिक्सचर है वो इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जब बेसन घी के साथ मिक्स होकर भूनेगा तो वो धीरे धीरे लिक्विड ही हो जाएगा। मतलब लास्ट होते होते वो पूरा घी छोड़ देगा और बिल्कुल लिक्विड सा हो जाता है। तो बस इसी तरह हम लो टू मीडियम फ्लेम पे बेसन को बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने तक भूनेंगे। जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं, भूनते हैं बेसन को, बस उसी तरह से हमें इसे भून लेना है। लेकिन बेसन के लड्डू के लिए थोड़े मोटे बेसन की ज़रूरत होती है, और ये हम बारीक बेसन के साथ बना रहे हैं। ये नॉर्मल बेसन है जिससे हम कढ़ी पकौड़े ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बस ये वही वाला बेसन है जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल होता है। तो घी, चीनी और बेसन, ये सारी चीज़ें आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो बनाइए इस मिठाई को और टेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बेसन लगभग भुन चुका है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक चुटकी फूड कलर, ताकि हमारी बर्फी में भी बिल्कुल हलवाई जैसा कलर आ पाए। हलवाई भी इसी तरह से हल्का सा फूड कलर का यूज करते हैं, लेकिन फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो ना डालें, आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और बाद में जो हम इसमें थोड़ी सी इलायची डालेंगे उससे हल्दी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसन काफ़ी हद तक भुन चुका है, थोड़ा लिक्विडी हो चुका है। जो मैं चला रही हूँ उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, घी से बिल्कुल अब अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बेसन का मिक्सचर है वो भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो इसे हमने एक साइड में रख दिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है एक भगोना, इसमें हम चाशनी तैयार करेंगे। तो जितना हमने बेसन लिया था जस्ट उसका आधा हमें चीनी लेना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप चीनी ली है, और जस्ट उसका आधा हमें पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप और प्लस 1.5 टेबल स्पून पानी लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब चीनी और पानी को अच्छे से घुलने देंगे। आप बहुत ज़्यादा पानी का यूज यहाँ पे ना करें, जैसे मैंने बताया है आप उसी तरह से पानी का यूज करें, तो आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप किसी कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है ताकि बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। तो अभी चीनी पानी में अच्छे से नहीं घुली है, इसे हम अच्छे से घुल लेंगे, और हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे ही चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए उसके बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें चाशनी को पकाना है, और एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे लगभग अब चाशनी बन चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे और पका लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, चाशनी हमारी बन चुकी है, एक तार आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं अच्छे से पता चल रहा है। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, और चाशनी को हम कम से कम 2-3 मिनट के लिए पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे बेसन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और आप यहाँ पे बेसन को देख सकते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा लिक्विडी हो चुका है। तो जो ये लास्ट का स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसन जो है हमारा वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है
और ना तो बिल्कुल ठंडा है, तो बस इसी स्टेज पे हमें चाशनी इसमें ऐड करना है। और जो हमारी चाशनी है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, उसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है, उसके बाद ऐड किया है बेसन में। तो ये देखिए पूरी चाशनी मैंने इसमें ऐड कर ली है और फटाफट हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे जैसे आप चाशनी मिक्स करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि बेसन थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बेसन की क्वांटिटी मतलब चाशनी के कारण थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। इस स्टेप में आपको टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है कि बेसन और चाशनी दोनों बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। चाशनी को आपको कम से कम 2-3 मिनट के लिए बनाने के बाद छोड़ देना है, उसके बाद ही बेसन में ऐड करना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसे हम केक टिन में डाल देते हैं। तो ये मैंने इसे केक टिन में डाल दिया है, अच्छे से इसे टैप कर लें ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए और हमारी बर्फ़ी बिल्कुल स्मूथ निकल कर आए। तो ये देखिए ये फैल चुका है अच्छे से हमारे केक टिन में, आप किसी प्लेट में भी बर्फ़ी को जमा सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ता के कटे हुए टुकड़े डाल दिए हैं ताकि बर्फ़ी देखने में और भी अच्छी लगे। वैसे पिस्ता का कलर इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से हम पिस्ता को दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और बाद में बाहर ना निकले। तो बर्फ़ी को हमें कम से कम आधे घंटे के लिए पहले छोड़ देना है सेट होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो चुका है लेकिन हमारी बर्फ़ी यहाँ पे पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, ये अच्छे से जम चुकी है लेकिन पूरी ठंडी नहीं हुई है। तो बर्फ़ी को मैंने केक टिन से बाहर निकाल लिया है क्योंकि मैंने इसमें बटर पेपर लगाया था, तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल आया है। और अब हम इसके टुकड़े काट कर तैयार कर लेंगे। आपको जैसे भी लंबाई में चौकोर जैसे भी बर्फ़ी पसंद है वैसे काट कर तैयार कर लें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ़ी को मैं जब काट रही हूँ ये कितनी स्मूथ कट रही है और रियली में बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत बढ़िया। कई बार लोग क्या करते हैं बर्फ़ी में दूध डाल देते हैं बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं तो वो बिल्कुल कैसे हलवे वाला टेस्ट आता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल टेस्ट आएगा जैसे आप मार्केट से बेसन की बर्फ़ी खरीद कर लाते हैं, बिल्कुल ये वही वाला टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी। तो हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और फॉलो कीजिए। और इस बर्फ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रक्षाबंधन हो जन्माष्टमी हो आप कभी भी बना सकते हैं, दिवाली हो होली हो सभी मौके पे बहुत अच्छी लगती है खाने में और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाती है। तो ये देखिए बर्फ़ी को मैंने कट कर लिया है और आप देखिए टेक्स्चर बिल्कुल हलवाई वाला और पिस्ते के कारण ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अमेजिंग लग रही है। आप ज़रूर बनाइए, हर किसी को ये बहुत पसंद आएगी। तो हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी बेसन की बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।